जानेंगे क्या आप सच में इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या नहीं। सुप्पिका कार्ड रीडिंग है, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक कार्ड सेलेक्ट करना है। ये है कार्ड नंबर 1 एंड ये है कार्ड नंबर 2। कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, देखेंगे क्या आप लोग सच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर नहीं। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 ये वाला सेलेक्ट किया है, इट्स अ स्लोइंग डाउन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए रीडिंग करते हैं इस पे। Two of Cups, Ten of Pentacles in Reverse and Ace of Swords. Bottom पे है यहाँ पे Eight of Wands. Bottom के नीचे Temperance की एनर्जी भी है यहाँ पे। So yes friends, आप लोग हो इस कनेक्शन में, ठीक है। And ये कनेक्शन जो है, एक तो आपको फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट बनाने आया है, ठीक है। आपको आपकी फैमिली या आपके कार्मिक जो फैमिली है, कार्मिक फैमिली कह लो या फिर आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं, ठीक है, आपको उनकी सच्चाई दिखाने आया है ये कनेक्शन। और आपको उस, आपको बार बार ये पर्सन रिफ्लेक्ट करेगा ये चीज़ कि आप किस 3D में फंसे हुए, माया जाल में फंसे हुए हो, इसे बाहर निकलो, ठीक है। ये लोग तुम्हारे नहीं हैं, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। उनका आप करो, पूरे दिल से निभाओ, लेकिन साथ साथ में अपना भी आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट कर होने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप पे भी फोकस देने की ज़रूरत है, अपनी भी हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में भी आपको ग्रोथ कर लाने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको बार बार पुश करेंगे। अब वो पुश कैसा होगा, ये तो आप लोगों की जर्नी पे डिपेंड करता है कि कैसा रहा है आपका पिछले जन्म में कनेक्शन, या कितना आप लोगों ने वर्क किया था उस चीज़ पे। पर ये कनेक्शन जो है इस जन्म में आपको बार बार पुश करेगा आपको आपके कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के अपने ऊपर वर्क करने के लिए, कि बाहर निकलो, आगे बढ़ो, अपने कंफर्ट जोन में मत रहो। तो यस, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये पर्सन आपका है, काउंटरपार्ट हो सकता है, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम्स में बिलीव नहीं करते तो ये पार्टनर आपको स्पिरिचुअली ग्रो बहुत कराएगा, पर मेरे अकॉर्डिंग तो है। और ये पार्टनर जो है आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ कराने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं, एंड वो आपको ग्रो कराएंगे, एंड आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे सोल लेवल पे भी, और फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ेगा आपका, और आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ये पर्सन आपको लाइफ में स्टेबल बनाने आया है। द आउटसाइडर ट्रैवलिंग बॉटम पे है, लेजीनेस बॉटम के नीचे यहाँ पे है पार्टिसिपेशन। देखिए, ये पर्सन जैसे कि मैंने आपको कहा, आप यहाँ पे बंधे हुए हो ना, ये आपको बाहर निकालेगा, ठीक है। पर्सन पुश करेगा आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के आपको दुनिया दिखाएगा, असली दुनिया दिखाएगा, ताकि आप खुद में स्टेबल हो, खुद में कंप्लीट हो यहाँ पे। तो आप तैयार हो जाइए इस पर्सन के साथ। अगर आपको न्यू पता लगा है कि इस पर्सन के साथ कनेक्शन है, या फिर ये पर्सन न्यू आपकी लाइफ में आए हैं, तो आप अपनी जर्नी के लिए तैयार हो जाए। एंड अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप लोग इस कनेक्शन में हो, ये पर्सन आया है, लेकिन आपको डाउट आ जाते हैं कि पता नहीं है या नहीं है, है या नहीं है, तो 100% है, ये आपके पार्टनर है। बस ये है कि आपको डिवाइन पे भरोसा करना है और अपनी इस जर्नी में चलते जाना है, ठीक है। एंजल्स का मैसेज देख लेते हैं आपके कनेक्शन पे राइट नाउ।
लाफ्टर। देखिए एंजल्स आपके से कहना चाहती है अपनी इस जर्नी में आपको हंसते हंसते आगे बढ़ना है, खुश खुश होते होते आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आप लाइफ में स्टक हो जाते हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप हंसो। जब आप हंसोगे, खुश रहोगे, आगे बढ़ोगे तो आपकी नेचुरल हीलिंग होती जाएगी। लाफ्टर इज़ अ वंडरफुल हीलर, इट शेक आउट फेयर एंड लीव यू फीलिंग हैप्पियर, क्लियरर एंड मोर रिलैक्स। तो आपने देखा होगा आप पार्क में जाते हो, कहीं जाते हो तो वहाँ पे लोग कैसे ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, तो ये एक तरह की एक्सरसाइज भी होती है कि आप जब हंसते हो ज़ोर ज़ोर से आपके अंदर की दबी हुई जो चीज़ें हैं वो बाहर आ जाती हैं और आप हील हो जाते हो। रिमेंबर दैट एंजल फ्लाई बिकॉज दे टेक देमसेल्फ लाइटली, सो मेक लाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड सी द फनी साइड ऑफ सिचुएशन। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमको सीरियस ही होना है, ठीक है। हमको कभी कभी चीज़ें हल्के में भी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए कि ठीक है यार हो गया। ज़रूरी है थोड़ी कि हमें हर एक चीज़ का इशू बनाना है, हमको चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए एंड हल्के में भी लेना चाहिए कि चल ठीक है जाने दो। कि किसी ने अगर आपसे कोई मजाक किया तो आप हंसो, ना कि आप वहाँ पर लड़ना स्टार्ट कर दो। When you relax and laugh, you your angel drop in new suggestion and idea which can transform difficulty into delight. जब आप ऐसा करोगे तो angels आपको sign देगी, आपको ideas देगी ताकि आपकी journey easy हो जाए, ठीक है। Laughter is the sunshine which dissolves the darkness, so be merry, joyous and fun-filled. तो laughter एक sunshine है, सूर्य की किरण है जो आपके अंधेरे को ख़त्म कर देगी और आपकी लाइफ में खुशी भर देगी। तो कोशिश करो, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने पार्टनर की हर बात को दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच सकते हो कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं बार बार, तो आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करो और हंसते खिलखिलाते अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। सो ये है पाइल नंबर वन वालों की रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। तो जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज़ किए हैं उनके लिए कार्ड आया है चेंज का। So let's find out. Eight of Swords, Five of Swords, King of Wands and bottom पे है the Fool. जी नहीं, आप लोग इस कनेक्शन में नहीं हो, ये पर्सन आपके काउंटरपार्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो अकॉर्डिंग टू दिस, बट ये पर्सन जो है आपको फुली ट्रांसफॉर्म करने आए हैं, ठीक है। ये पर्सन को आपकी लाइफ में इसलिए भेजा है क्योंकि आप ट्रैप हो, ठीक है, यहाँ पे, और आपके अंदर की जो ईगो की लेयर है उसको ख़त्म करनी है और आपको फ्री करना है। आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी पे निकल पड़ो, रिस्क टेकर बनो, अपनी लाइफ को स्क्रैच से लेके आप पूरा आगे तक खुद बनाओ। ये डिवाइन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है एंड ये पर्सन आपको यहाँ पे ट्रिगर करेगा, इस पर्सन को इसलिए भेजा है। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो यहाँ पे नो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपको इस इल्यूजन में डाले रखेगा, या फिर आप इस इल्यूजन में फंसते जाओगे जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मैं इस कनेक्शन में हूँ या नहीं हूँ, तो नहीं, आप इस कनेक्शन में नहीं हो। आपको इस पर्सन के ट्रैप से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को खुद बनाना है, यहाँ पे इस पर्सन की बातों में नहीं आना। या फिर अगर आपको सिंक्रोनिसिटी मिल रही है वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों का कुछ पिछले जन्मों का कार्मिक कनेक्शन है यहाँ पे, कुछ ये पार्टनर आपके कार्मिक हैं। तो आपको देखिए कार्ड्स भी गिराए हैं यहाँ पे, लवर्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड। यस, पिछले जन्म का आपको पूरा करना है। ये पास्ट लाइफ के आपके लवर हैं जिनके साथ अधूरा रह गया था आपका पिछले जन्म का, एंड आपको वो पूरा करना है। कर्मों का बंधन है यहाँ पे। जब आप इस पर्सन के साथ अपने कार्मिक डेप्थ को क्लियर कर लोगे, कंप्लीशन हो जाएगी, फिर आपकी लाइफ में एक ट्रू लवर आएगा या आपका कोई स्पिरिचुअल पार्टनर आएगा जिसको एंजल भेजेंगे यहाँ पे। पर उससे पहले आपको इस पर्सन से डील करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक शॉर्ट वर्ड में बताऊँ तो ही इज़ योर फॉल्स ट्विन फ्लेम। अगर
आपके लाइफ में कोई पर्सन है, आपको लगता है वो आपका है काउंटर पार्ट, तो नहीं, ही इज़ योर फॉल्स ट्विन फ्लेम. अभी आपके लाइफ में ट्रू पार्टनर आएगा, तो आपको बस इस पर्सन के साथ जो भी अपना कर्मा लेन देन है वो कंप्लीट करके और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है. डिवाइन की हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है, हीलिंग कर सकते हो खुद की, और इस पर्सन के ट्रैप से बाहर निकलना है. ये सोच सोच के आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना कि ये आपका काउंटर पार्ट है, बिकॉज ही इज़ नॉट योर काउंटर पार्ट, ही इज़ योर फॉल्स ट्विन फ्लेम. जब इस पर्सन के साथ कंप्लीशन हो जाएगी आपका लेन देन, जो भी आप लोगों ने पिछले जन्म में किया है वो जब ख़त्म हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ में आपका ट्रू पार्टनर, ट्रू सोल पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर या जो भी आप चाहते हो वो आएगा, ठीक है. तो इस ट्रैप से आप बाहर निकल जाओ, आपके लिए यही गाइडेंस है. यहाँ पे कुछ और कार्ड्स और लूंगी. द ड्रीम, यस, ये आपका पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है. इस कार्ड में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, इन कार्ड्स में भी पेशेंस, एंड बॉटम पे है नथिंगनेस. यस, आपको डिवाइन बोल रहे हैं इसके साथ जो भी करना है उसको क्लियर कीजिए, ठीक है. अपने अंदर की विजडम नॉलेज में लग जाओ, अपना स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाओ. जो आपका ट्रू पार्टनर है वो आपके लाइफ में आ जाएगा. पेशेंस के साथ बैठो यहाँ पे, ठीक है, अपना पेशेंस लेवल बढ़ाओ. देखेंगे हम गाइडेंस आप लोगों के लिए. सॉरी फ्रेंड्स, पीछे से डॉग बहुत ज़्यादा बार्क कर रहा है, तो उसकी वजह से इश्यू हो रहा है यहाँ पे. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. चलिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स की. ओके, सो इट्स अ ग्रैटिट्यूड. योर गाइडेंस इज टू काउंट योर ब्लेसिंग व्हेन यू से थैंक यू टू द यूनिवर्स फॉर इट्स गिफ्ट्स, इट्स रिस्पॉन्ड जेनरसली टू यू. तो आपको थैंकफुल कहना है यूनिवर्स को. एंजल विजडम रिमाइंड यू टू से थैंक यू फॉर ऑल दैट यू हैव, दैट इंटेंगिबल एज वेल एज द टेंगिबल. वट एवर यू से, वेन एवर यू से थैंक यू फॉर योर हर्ट, मोर इज बेस्टोड ऑन यू, फॉर ग्रेटिट्यूड इज अ की ऑफ ओपनिंग द डोर टू यूनिवर्सल अबंडेंस. जितना थैंकफुल बोलोगे डबल होके वापस आएगा, ठीक है. कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ओपन योर सेल्फ टू रिसीव लव एंड प्लेंटी इन योर लाइफ. योर एंजल्स विल स्माइल ऑन यू. आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ. आपको ये अफर्मेशन बोलनी है और डिवाइन को बार बार थैंकफुल होना है. जो भी आपको चीज़ें मिली हैं, तो देखो डिवाइन आपको आपका ट्रू पार्टनर आपकी लाइफ में लेके आएगा. जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या जितना भी आपका कर्मा का बॉन्ड है वो ख़त्म होगा, और आप अपनी लाइफ में एक प्योर लव लवर के साथ अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और डिवाइन आपको बहुत सारे गिफ्ट भी देगा. तो आप लोगों ने यहाँ पे स्टक नहीं रहना, आगे बढ़ना है. ये है आप लोगों की गाइडेंस. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर.